तो एक स्पैनिश मिनी सीरीज आ गई है, क्या आपको देखनी चाहिए? नहीं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं राज गौरव और आज हम बात करने वाले हैं समवन हैज टू डाई के बारे में, क्या आपको ये मिनी सीरीज देखनी चाहिए नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मत लो, हमारी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होगी। तो अब ये वीडियो देखने के बाद समवन हैज टू डाई जाके देख सकते हो बिना किसी स्पॉइलर की टेंशन के। और ये सीरीज एज अ लिमिटेड सीरीज से आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, इसके ट्रेलर में भी आपको देखने को मिलेगा, एक लिमिटेड सीरीज है। अब लिमिटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, अभी जानना चाहोगे तो लेट मी टेल यू। तो लिमिटेड सीरीज क्या होती है, एक मिनी सीरीज होती है जिसकी लेंथ जनरली 4 से 10 एपिसोड की होती है और इसमें पूरी स्टोरी बता दी जाती है। तो बेसिकली जनरली आइडिया ये होता है कि इसका कोई सेकेंड पार्ट नहीं आएगा। हाँ, ये कन्फर्म नहीं है कभी भी कि नहीं आएगा, बट अब तक जितनी भी लिमिटेड सीरीज आई है नेटफ्लिक्स की, उसका कोई सेकेंड पार्ट नहीं आया है। और समवन हैज टू डाई का भी मेरे को यही केस लग रहा है, स्टोरी सेटिस्फाइंग है, मेरे ख्याल से कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा। बट हु नोस, आपको क्या लगता है सेकंड पार्ट आएगा या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो बात कर लेते हैं इस मिनी सीरीज के बारे में। तो भाई इसका क्रिएटर वही है जिनने द हाउस ऑफ फ्लावर्स बनाया था। जी हाँ, इसके क्रिएटर भी कारो हैं और इनने ही वो सीरीज डिजाइन करी है, ये पूरी क्रिएट की है और काफी ब्यूटीफुली रिटन है ये सीरीज। तो अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्टोरी काफी बेसिक है, एक लड़का होता है, उसकी फैमिली वाले उसको घर बुलाते हैं कि भाई घर आ जा, तेरी शादी के लिए हमने लड़की ढूंढ ली है। बट ये वहाँ पे किसी और लड़के से शादी कर लेता है जो कि एक बैले डांसर होता है। तो बेसिकली गेज के ऊपर स्टोरी है और ये काफ़ी बड़ा स्टीरियोटाइप था और अभी भी है वहाँ पे स्पेन में, अभी भी काफ़ी बड़ा स्टीरियोटाइप है, बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी छोटी सीरीज़ है और आराम से बिंज वॉच कर सकते हो आप इसको, एंड इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। और ये मत समझना 3 एपिसोड हैं तो आपको कुछ कहीं कमी देखने को मिलेगी। दिस सीरीज इज ब्रिलियंट एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन शुड वॉच इट। Why? Let me tell you why. तो आपको ये जानना चाहिए 1950s की स्पेन में बेस्ड मूवी है और इसमें तब की बेस्ड है जबकि फैमिली के अपेरेंस, आप क्या करते हो, कैसे जो फैमिली नॉर्म्स हैं, फैमिली के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते थे किसी भी सोसाइटी में, और गेस बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाता था उस टाइम पे। बेस्ड है स्टोरी तो भाई उस टाइम पे आपको लेके जाती है थ्रू कलर ग्रेडिंग, थ्रू कैमरा वर्क, थ्रू सिनेमेटोग्राफी या जो बैकग्राउंड सेट हो गया, सब कुछ आपको 1950s की ही फील दिलवाता है। और इतना मज़ा आता ना, ऐसा लगता है आप एक कैरेक्टर हो, खुद उस वर्ल्ड में घूम रहे हो। इतना अच्छा कैमरा वर्क किया गया, कलर करेक्शन की गई, चाहे सेट डिज़ाइन हो गया, काफ़ी बढ़िया किया गया है, काफ़ी बेहतरीन किया गया है। और अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग की। तो भाई इसमें आपको सारे स्टार कास्ट देखने को मिलेगी क्योंकि एक मिनी सीरीज है, तो थोड़ी सी महंगी कास्ट अफोर्ड की जा सकती थी और बिल्कुल की गई है। एंड दे ऑल हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब इन एक्टिंग डिपार्टमेंट, देयर इज नॉट वन सिंगल फ्लॉ दैट यू कैन फाइंड इन देयर एक्टिंग। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया है इनकी एक्टिंग देखने में कि भाई क्या कहने, 3 एपिसोड ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं चला। 3 एपिसोड बैठ के देखोगे आपको लगेगा कि यार जो 5 मिनट में ख़त्म हो गई, अभी और चाहिए मेरे को, और ला के दो, ख़त्म क्यों कर दी 3 एपिसोड में, 13 एपिसोड बनाओ इसके। तो और 13 से मेरा मतलब ये नहीं कि ऐसे एक रैंडम नंबर 3 से 13 बोल दिया मैंने। तो भाई ये तो बात होगी एक्टिंग की, अब बात करें जैसे राइटिंग और डायरेक्शन की, विच हैज बीन डन सो ब्रिलियंटली, सो परफेक्टली एंड सो प्रिसाइजली कि भाई आपको स्टोरी में कहीं पे भी एक सेकंड के भी हुक नहीं छूटता, आपका इंटरेस्ट नहीं जाता, विच वॉज रियली नीडेड क्योंकि एक मिनी सीरीज है सिर्फ 3 एपिसोड की। उसमें भी अगर आप बोर हो जाओ तो किस काम की मिनी सीरीज रह गई है, आप कहीं बोर नहीं होगे इस सीरीज में। तो भाई इस सीरीज को कभी स्किप मत करो, जब भी जाके अभी देखो, जब ये वीडियो देख रहे हो खत्म करते ही वीडियो को जाके वो सीरीज देख के आओ। एंड आई हाईली रिकमेंड इसको स्पेनिश में देखो विद इंग्लिश सबटाइटल्स। मुझे नहीं पता और कोई ऑडियो आई है कि नहीं, क्योंकि मैं तो डिफॉल्ट ऑडियो में देखता हूँ, वो स्पेनिश थी, साथ इंग्लिश सबटाइटल्स आ रहे थे, मैंने उसमें देखा है, क्योंकि तभी किसी भी सीरीज़ का, मूवी का मज़ा उसमें आता है जो ओरिजिनल लैंग्वेज में होता है। डब में कभी मज़ा नहीं आता, तो कभी डब मत देखना प्लीज़, ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा करो विद सब्ड। अब ये थ्रिलर है तो आपको पूरे टाइम दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको स्टोरी से लगा होगा कि लव स्टोरी भी हो सकती है, बट नहीं, ये थ्रिलर है तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये जानने के लिए तो अब जाके समवन हैज़ टू डाई देखो। बट मैं आपको बता दूँ, ये 3 एपिसोड की राइड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, कैमरा वर्क से लेकर कलर करेक्शन से लेकर एक्टिंग और डायरेक्शन, सब कुछ एकदम सुपर्ब है। शो की पेसिंग इतनी मस्त की गई है ना,
कहीं पे हल्का सा फास्ट पेस होता है, कहीं पे हल्का सा स्लो हो जाता है, फिर एकदम से फास्ट होता है, तो भाई वो पूरा सस्पेंस जो बनना चाहिए ना थ्रिल का, वो पूरे टाइम बना रहता है। तो अगर आप में से कोई एक बात पूछोगे ना कि इस सीरीज में क्या अच्छा था, वो कहूंगा इसके एस्थेटिक्स। क्योंकि जब आप एक हिस्टोरिक सीरीज बना रहे हो कि पास्ट में जाके कोई बना रहे हो, 1950s का टाइम दिखा रहे हो, तो भाई एस्थेटिक्स नेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ड्रेसिंग हो गई, जो डिटेलिंग हो गई, वो सब बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी एक फील बनता है व्यूअर का सीरीज थे। और इस सीरीज में वो काफी अच्छे से किया गया है। दैट हैज बीन डन सो ब्रिलियंटली दैट यू विल रियली रियली फील दैट यू आर लिविंग इन 1950s, और आप एक कैरेक्टर हो इस सीरीज में और आप इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। और 3 एपिसोड के होने के बाद भी ये सब कैरेक्टर्स को आपको इतने अच्छे से बांध लेगी ना कि आप किसी न किसी कैरेक्टर से तो ऐसे बन जाओगे इमोशनली। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो कौन सा कैरेक्टर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस सीरीज को मैं दूंगा 10 में से 8.5 स्टार्स। आप कितने दोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों का शेयर कर दो, क्योंकि भाई एक मिनी सीरीज है, उन सबको देखनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए ना कि अच्छी अच्छी सीरीज भी आती है इंडिया में देखने को। चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड एज ऑलवेज थैंक यू वॉचिंग गाइस, पीस आउट।